का शुक्रिया करूं, ये अपने साथियों को मुबारकबाद पेश करूं। किन अल्फाजों का इस्तेमाल करके मैं जम्मू कश्मीर के वोटरों का शुक्रिया करूं जिन्होंने इन मुश्किल हालात में तमाम साजिशों के बावजूद भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स अलायंस को इन इलेक्शनों में कामयाबी दी। ये इलेक्शन हमने इख्तदार के लिए नहीं लड़ा था, हालांकि मकसद हर किसी इलेक्शन का इख्तदार हासिल करना ही होता है, लेकिन इस इलेक्शन में वो हमारा मकसद नहीं था। पीपल्स अलायंस की पैदाइश नहायत ही मुश्किल हालात में, और हम में से कोई भूल नहीं सकता कि पिछले साल यही दिन हम लोग कहां कहां बिखरे हुए थे। मैं किसी एक गेस्ट हाउस में, मेरे कई सारे साथी यहां बैठे हुए, एमएलए हॉस्टल में बाकी साथी गैर कानूनी तौर अपने घरों में बंद, हमारे सदर मोहतरम जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ पीएसए और बीजेपी ने कोई मौका नहीं गवाया दुनिया को यह बताने के लिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात अब मर मिट चुकी है, अब ये दोबारा नहीं उठेंगे। बीच बीच में ये अपने दोस्त अखबार वालों को भेजते थे हमारे दफ्तर में यहां फोटो खींचने के लिए कि देखो जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में तो आपको कुत्ता भी नजर नहीं आएगा, वर्कर तो दूर की बात। अरे भाई, जब आपने हमारे किसी वर्कर को बाहर नहीं छोड़ा तो फिर दिखेगा कौन? लेकिन हमने उस वक्त भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर वो वर्कर हैं जिन्होंने हर साजिश का मुकाबला किया, जिन्होंने हर तूफान का मुकाबला किया, जिन्होंने ग्रेनेड और बम के मुकाबले किए। हम कभी किसी जंग से पीछे नहीं हटे। हमारा मानना था कि अगर हमारा मिशन सही होगा, अगर हमारा ईमान सही रहा, अगर हमारी नजर अल्लाह ताला पर रही, तो अल्लाह ताला खुद हमें रास्ता दिखाएगा दोबारा जिंदा होने के लिए। फारूक साहब बार बार हमें कहते थे, मुझे, हमारे साथियों को, हमारे वर्करों को, कि रास्ता अल्लाह ताला दिखाएगा, हमें उस रास्ते पे चढ़ना है। ये कल के इलेक्शन की कामयाबी ये ना फारूक साहब की कामयाबी है, ना मेरी कामयाबी है, ना सादिक साहब या नासिर या किसी और लीडर की कामयाबी है। ये इलेक्शन अगर कामयाबी है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अदने से अदने वर्कर की कामयाबी है, क्योंकि हम नहीं निकले वोट मांगने। ये पहला इलेक्शन होगा इस रियासत में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंपेन ही नहीं किया। हमने लोकल लेवल पे वर्करों को कहा, आप जाओ वोटरों को समझाओ कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं इस रियासत के लिए। हमने कोई मंशूर नहीं तैयार किया, हमने कोई पोस्टर नहीं बनाए, हमने रेडियो पे कोई इश्तेहार नहीं चलाए, हमने श्रीनगर के पार्क में बड़े बड़े जलसे नहीं रखे,
चलेंगे। और वाकई वही हुआ। मैं जानता हूं कि यह इलेक्शन हमारे साथियों के लिए आसान नहीं था लड़ना। हमने बहुत कुर्बानियां दी एक जमात के हैसियत इस अलायंस में इलेक्शन लड़ने के लिए। मुझे मालूम है कितने हमारे लीडरों को जहर का कतरा पीना पड़ा अलायंस के लिए सीट छोड़ने में। यह कोई पुरानी अलायंस नहीं थी, यह कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक रिश्ता नहीं था जहां हम कहते हमने माजी में भी इलेक्शन लड़े हैं। हमने उन लोगों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा जिनके खिलाफ पिछले साल तो हमने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था। कोई भूल सकता है कि पिछले साल मार्च अप्रैल में हम सारी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ पापड़ हमले कर रहे थे, चाहे नॉर्थ कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खिलाफ फारूक साहब को या मसूदी साहब को कामयाब करने के लिए पीडीपी के खिलाफ। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को हालात ऐसे बने और इस रियासत के लोगों के साथ इतनी बड़ी साजिश रचाई गई तो हमारा फर्ज बना कि हम अपने उन दूरियों को एक तरफ रखकर एक ही स्टेज पे आए और इस रियासत के तशक्कुस के लिए, इस रियासत की पहचान के लिए, इस रियासत की इज्जत को दोबारा बहाल करने के लिए हम लड़े। मेरा पीपल्स अलायंस में कोई ओहदा नहीं है। मैं पीपल्स अलायंस की मीटिंग में अगर बैठता हूं तो बजाय जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर होने के नाते, और मैं दावे से कह सकता हूं फारूक साहब अगर हमने अलायंस में ये इलेक्शन नहीं लड़ा होता हम इससे भी ज्यादा सीटें जीत के आपके दामन में डाल देते। और मैं सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर रहा जनाब, ये हकीकत है कि जम्मू में भी हम आपको सीटें देके आपकी जोड़ी में रखते हैं। लेकिन एक बड़े मकसद को हासिल करने के लिए कभी कभी बड़ी छोटी कुर्बानियां मांगी जाती हैं। आपका एक इशारा हमारे लिए काफी था। मैं किन किन साथियों का नाम लूं जिन्होंने उफ़ नहीं किया जब हमने उनसे कहा कि आप ये जीती हुई सीट आपको छोड़ दी होगी। हमारे दाएं बाएं यहां स्टेज पर बैठे लीडर जिनको मालूम था कि अपने इलाके में भारी अक्सरियत से वो कामयाब होते, उन्होंने कहा फारूक साहब का एक इशारा हमारे सिरांखों पर है। फारूक साहब हमसे पसीना मांगेंगे, हम खून का कतरा इनको पेश करेंगे। मैं सलाम करता हूं ऐसे साथियों को, नहीं तो चाहते तो कुछ औरों की तरह खुदगर्जी का सबूत। लालच की कोई कमी नहीं रखी गई हमारे लोगों के सामने। और कई सारे हमारे पुराने साथी जिनका मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता हूं इस दौर पर बिक गए। किन किन की तरफ इशारा करूं जो कल तक हमारे जुलूसों में हमारे जलसों में जिंदाबाद के नारे देते थे और फिर मौका मिलते ही
अलायंस के खिलाफ मैदान में उतरे। जमहूरियत की जीत हुई, हम बार बार ये सुनते हैं, कल से टेलीविजन चैनलों पर यह रट लगा, क्योंकि जो लोग ये हजम ही नहीं कर सकते कि पीपल्स अलायंस की जीत हुई, उनको कुछ तो कहना था, तो कहा जमहूरियत की जीत हुई। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, अगर ये नतीजा नहीं हुआ होता, वो बड़े बड़े बिल्डिंगों से ढिंढोरा पीटते कि अलायंस की हार हुई, मौका परस्त लोग हार गए, एंटी नेशनल हार गए, प्रो पाकिस्तान हार गए। अब जब नहीं हारे और उनसे तस्लीम नहीं होता कि अलायंस की कामयाबी हुई, तो कहते हैं जमहूरियत की जीत हुई। अरे हम भी तो मानते हैं, हमने कब कहा कि हमें जमहूरियत पर भरोसा नहीं है? आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, वो दूसरी बात है कि हम अपने हकूक के लिए लड़ेंगे, लेकिन गैर कानूनी तौर नहीं। हम अपने हकूक के लिए लड़ेंगे, लेकिन गैर आईनी तौर नहीं। हम इस रियासत का माहौल बिगाड़ने नहीं आए हैं, हम इस रियासत का माहौल बेहतर करने आए हैं। लेकिन अगर वाकई आप कहते हो कि जमहूरियत की जीत हुई है, तो फिर लोगों की आवाज आपको सुननी होगी, और भारी अक्सरियत से जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहा है कि उनको 5 अगस्त 2019 कबूल नहीं है, नहीं है। ये मेरा कहना नहीं है। अब कल तक तो आप कह रहे थे ये उमर अब्दुल्ला हवा में बात कर रहा है, फारूक अब्दुल्ला के पीछे कोई खड़ा नहीं है, ये पीपल्स अलायंस, ये दो खानदानों का अलायंस है, इनके साथ लोग नहीं है। अब हमने इलेक्शन में हिस्सा लेके आपको बताया है कि लोग भी हमारे साथ हैं। अब कब तक आप दुनिया को ये बताते रहोगे कि कश्मीर के लोग 15 अगस्त 2019 को पसंद करते हैं? कब तक दुनिया को बताते रहोगे कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है उनको 370 से कोई लेना देना नहीं है? क्योंकि अगर आपका यह प्रोपेगेंडा सही होता, आज आपकी यह हालत नहीं होती। नतीजे आपके सामने हैं। एक वाहिद जमात जिसकी जड़ कश्मीर में भी, जम्मू में भी, जिसके जड़ जम्मू के निचले इलाकों में, जम्मू के पहाड़ी इलाकों में, जिसके जड़ आज भी करगिल में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ले जाए वहां पर भी। इस इलेक्शन ने साबित किया है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्यादत के खिलाफ जो भी हल्के इस्तेमाल करो, जो भी साजिशें रचाएं, जो भी प्रोपेगेंडा रचाएं, आप कभी हमें मर मिटाने में कामयाब नहीं होंगे। हमें मर मिटाने की ताकत, हमें मर मिटाने की ताकत आपको नहीं दी गई है। करिए अपनी साजिशें, करिए अपना प्रोपेगेंडा, बताइए लोगों को, दुनिया को झूठ। कभी ना कभी तो आपका झूठ झूठ ही साबित होगा, लेकिन हमें भी मान के चलना होगा कि कुछ जगहों में, जमात में कुछ बुनियादी कमजोरियां हैं।
कुछ जगहों में जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि हम कामयाब होंगे, हम वहां सीट नहीं निकाल पाए। चाहे इसमें कुछ हमारा घमंड हो सकता है, कुछ हमारी लापरवाही हो सकती है, शायद कुछ जगहों पे हम लोगों से तालमेल बनाने में नाकामयाब हुए। अब इस इलेक्शन के बाद, क्योंकि अब अगला इलेक्शन बहुत दूर होगा, जो इस इलेक्शन में बीजेपी की हालत खराब हुई, मुझे नहीं लगता है वो अब जल्दबाजी में असेंबली का इलेक्शन कराएंगे। हालांकि अफसोस, अगर वो जमहूरियत में भरोसा करते तो उन्होंने अभी तक असेंबली का इलेक्शन का ब्यूगल बजाया होता, लेकिन इस शिकस्त के बाद वो शायद इलेक्शन का ब्यूगल नहीं बजाएंगे। तो हमारे पास मौका है जमात को मजबूत करने का, क्योंकि जमात है तो सब कुछ है। अकेले में हम कुछ नहीं है, हमारी पहचान, हमारा सारा कुछ इस जमात और इस जमात के झंडे के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं अपने तरफ से, अपनी तंजीम के कायदों के तरफ से, सीनियर लीडरों के तरफ से जिनाब फारूक साहब को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस इलेक्शन में जहां जहां हमारी कमजोरी सामने आई है, हम दिन रात एक करके उस कमजोरी को दूर करके इस जमात को दोबारा उस मुकाम पर पहुंचाएंगे जिस मुकाम पर बाबा एकौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने इस जमात को फारूक अब्दुल्ला साहब के हवाले किया था। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस जमात को उस मजबूती पर पहुंचाने का मिशन अब हमने हाथ में ले लिया है।